नमस्कार, हम आई थी मिथिला एमसीएस यूके के फेसबुक पेज पर लाइव और अहाँ सबका स्वागत है। एक दो मिनट हम सब सोचे रुकी और लोग सब ज्वाइन करे ऐसे पहले कि हम सब कुछ शुरू करवाए। तो अपने सब इतने दिन से बहुत रास म्यूजिक का प्रोग्राम गाना बजाना से सब सुन लो, मगर आए हम सब सोच मुझे किच अलग कर ले जा रहा छी। आई लॉकडाउन में बहुत लोग काफी रास कुकिंग प्रोग्राम सब देख लिए, तो आई हम सब अपन सबका इन हाउस कुकिंग प्रोग्राम लोक आबि रहा छी। और जे कि एगो सोला नाम मिथिला डिश जेकि एखन सरप्राइज छे हमरो नहीं बुझलिए और कनी इंग्रेडिएंट्स हम देख सकै छी। तो अपने सब लोक आबि रहल छी आर्या कश्यप जी के, जे कि एगो मिथिलानी छथिन, एगो गृहिणी छथिन और कुशल गृहिणी होइत होइत एगो स्कूल टीचरो छथिन और संगमे हमर सबके मिथिला कल्चरल सोसाइटी का एक्चुअली हेड शेफ छथिन। तो जे ओ सब मिथिला कल्चरल में आयल छी, मिथिला कल्चरल सोसाइटी का एनुअल प्रोग्राम में आर्या हर बेर किछ न किछ नया खाना का आइटम बना के आने छथिन और हमरा सबके हर बेर निक निक भोजन चखाबे छथिन। तो जे सब आयल छी से ई उनकर हाथक जादू के स्वाद तो चखनाइए है। तो हम फिर से स्वागत करे छन आर्या कश्यप जी का और संग में छथिन अनुराधा झा जी, जे कि मिथिला कल्चरल सोसाइटी का जॉइंट सेक्रेटरी छथिन, जे कि उनकर हेल्पर के रूप में आयल छथिन। तो सब गोटा के फिर से हमरा तीन के तरफ से नमस्कार और प्रणाम और पैघ सबके गौर लगे छी और ओवर टू आर्या। आर्या कहू आई अहाँ की बनाबे जा रहल छी और हमरा सबके की खुआबे जा रहल छी? ओ सॉरी खेबे तो हम ही तीनों गोटे। आर्या तो बाकी अहाँ सब तो खैर बनाबे के विधि देखू और तकर बाद फिर हम सब बना के फोटो भेजू। तो चलू फिर आर्या सर गप कर ले। प्रणाम सब गोटे के, सब तक लोड लगे छे। आज हम सब बनाबे जा रहे छे ठेकुआ। ठेकुआ बेसिकली बिहार और यूपी बेल्ट का छे खाना और जनरली सबसे बेसी छठ पूजा में बनाए जाए छे। तो ठेकुआ बनाबे का बेसिकली मेन इंग्रेडिएंट रहे छे आटा और गुड़, क्योंकि आटा और गुड़ बिहार यूपी में सब जगह भेटे छे और जो बेल्ट छे बिहार यूपी उ जगह पर शुगर केन के खेती ज्यादा होइ छे पर गुड़ बेसी भेटे छे। तो तैसा ठेकुआ बनाए जाए छे और ठेकुआ कनी लॉन्ग लास्टिंग भी छे। तो लोग सब खूब जे भी बच्चा पढ़े जाए छे कि क्यों दूर जाए छे बेटी विदाई गृह के जाए छे सब क्यों ठेकुआ जरूर देवे करे छे कि ठेकुआ एक कोटो खा लेल के तो पेटो भर गेले आ कनी लॉन्ग लास्टिंग रहे छे खूब दिन चलबो करे छे। तो ठेकुआ बेसिकली पकवान छे अपना सबके जे अपने घर में बना लै छी। और मिठाई और पकवान में यह फर्क छे, मिठाई अहाँ कतो बाहर जाके खरीदे छी और पकवान अहाँ घर में सबके साथ मिलजुल के बनाबे छी। से देखो हमर सखी सब आये छे हमरा साथ मिलजुल के बनाबे ले। आर्या, ई ठेकुआ तू सब कहे छे हमरा सबके घर में तो टिकरी कहे छे एकरा, लेकिन बहुत सब लोग खजूरो के हैं। खजूरो कहल जाए छे। इंग्रेडिएंट्स आवाज़ है इंग्रेडिएंट्स छे। नमस्कार सब बेटे के। जनरली हम सब यूज करे छे एकरा बनाबे के लेल आटा और गुड़, लेकिन आटा और गुड़ बच्चा सब में खूब पॉपुलर नहीं छे ठेकुआ। तो तै से हम आज जे बच्चों सब खूब चाव से खाए वह हम बना रहे छे। उ छे ओकरा लेल हम यूज कर रहे छे मैदा, कनी चीनी, किछ ड्राई फ्रूट छे जेकरा हम चूर के रखियो लेने छे, कनी सौंफ, घी और इलायची कनी चूरने छे और कनी
ना नारियल के गरी का भी काट लेना चाहिए तो और ये कथी छे आर्या ई एकरा संचा कहे छे ना एकरा से माने ठोक कर अच्छा त जाने छे ने जी में डिजाइन दे छे हां एकरा ठकुआ के कहे जाय छे नहीं हां नहीं जना ठोक के बनावे जाय छे ना तई से एकरा ठकुआ कहे छे तो अपने अपने भागलपुर में ठकुआ और अपनी सब तरफ दरभंगा और सहरसा सब तरफ ठकुआ नाम है बेसिकली ठोकल जाय छे तई से ही ठकुआ होले अगर केकरो लगी नहीं छे तो यूज डलियो यूज कर सके ठोके के लिए जनरली गांव घर में डलियो यूज करे छे क्योंकि ज्यादा बनाबे छे ना लोग ढेर अच्छा अब नहीं तो अपने यहाँ तो ये मिले छे छलनी सबके सबके घर मिले छे नहीं तो ऊपर से यूज छे फोर्क अच्छा बस ऊपर से कनी हल्का सा प्रेस कर दे और चल तो शुरू कर के ना बनवे छी की यूज करे छी आटा के जगह कुछ और यूज कर सके छी की अपना सब हां देखिए हम यूज कर रहे छे आई मैदा अच्छा अकनी चीनी और घी मोइन के लिए अच्छा और दूध और पानी किछो दे सके छे हमर मम्मी जना दूध में बनावे छे त हम दूध यूज करे छे बहुत लोग पानी यूज करे छे त पानी यूज कर सके छे आर्य जी मोइन की होय छे मोइन छे कि जेकरा से आहा ने बांधबे माने खस्ता बने खस्ता बनते और कनी कनी टेस्ट बढ़ाए ते त सबसे पहले अपने ले छे मैदा अब जितना बेसी एकरा मिलेगी ना उतना बढ़िया टेस्ट ही होते जब मिक्स कर जितना ज्यादा मिक्स होता है उतना ज्यादा अच्छा टेस्ट होते कर अच्छा और ये इंग्रेडिएंट प्रोपोर्शन तो कहिए देने चाहिए नहीं हां जना ये हम 200 ग्राम यूज कर लिया थी चीनी का नहीं बेसी जितना यूज नहीं करना चाहिए अपने को ओनली बेसिकली लोग सब गांव घर में चीनी बेसी ज्यादा दे छे लेकिन अपने उतना नहीं दे रहे तो हेल्दियर ऑप्शन ला कनी कम चीनी और खाओ सके छे हां और कनी दूध दे देबे तो स्वीटनेस दूध में रहे छे तो दूध भी अपने मीठा करते खाना के कनी ड्राई फ्रूट दे दिए और कनी इलायची सब हम चूर के रखना छे पहले से आहां सब के बेसी टाइम नहीं बर्बाद करब अनुकरी चैट्स देखियो कुछ क्वेश्चंस अब हेते तो हां सब पे जे क्वेश्चन छे अगर कोई हमरा साथ बना रहल छी और आहा सब पे कुछ क्वेश्चन छे त आहा प्लीज लिख भेजु क्योंकि अनु छे चंदा छे दीदी छे तीन सब के कियो भी आहा के जवाब देते और नहीं तो हम ओकरा सब पे काज पर लगा के हम ही जवाब दे कनी सॉफ्ट अगर आहा के मन छे त सॉफ्ट दियो नहीं तो नहीं दियो हम कनी दा रहल छी आई होप वहाँ सब किछ गोटे संग में बनाइयो रहल छी जावेती सब तैयारी कर रहल छथिन और जे सब नहीं बनेलो जना हम टिकरी कहियो नहीं बनाए छी थैंक्स टू आर्या हमरा भेट जाइयो बीच बीच में खाए ल तो अहाँ सब फिर ट्राईयो कर सकै छी आ फोटोज शेयर करब अगर यूके लाइव फेसबुक पेज पर नहीं तो अपन सबके मिथिलानी जे चिटचैट ग्रुप छै तैमे जरूर फोटोज भेजब हम सब देखब अहाँ सब केहन बनेलो अनु एखन काज पर छे त अनु क कनी हां देखियो हमरा से मिलवा रहल छे त छोटा ने देखि छे हां छोटा ने के कोनो फायदा बड़ा है के कोनो फायदा दीदी त हमरा से बड़ा छे त लेकिन हम तइयो काम करवाते रहै छी तू त छोटे छी त तोरा के लागै छै ई अंदाज से दौड़ल छी हां अंदाज से दौड़ल छी ना एकर मेजरमेंट भी छै जना 200 ग्राम मैदा में तू तोरा 50 ग्राम घी देना है अच्छा तो ओकरा से कने और कोनो तरीका और त जना अगर तोरा मन छ त एकरा घी के बजाय तू तेलो दे सके छी रिफाइंड ऑयल अच्छा हम सुनने रहिए क्यों कहने रहे कि अगर मोए नहा के देखना है तो एना किछ लड्डू बना के देख लड्डू बना के हाथ में बंधा जाए छ जब हाथ में बंधाए जाओ एकदम एनो ने कि एकदम पूरा तेल चूतर वैसनो बनाना नहीं छे जस्ट एक नॉर्मल मुट्ठी जका बन जाए तब बन गेले से हो गेले सो देखी तो ये ठीक छे
हाँ देखिए जना बन रहा है चलना बस करने वाला जितना ज्यादा एक मिक्स कर रहे ना अपने उतना बढ़िया ही बनते हैं। चंदा तू सब एक की कहे छी खजूरी अच्छा और ये आटा बनेबे पैन जे देबे तो पैन मतलब ये आटा की कनी कड़ा रहे छे या कि सॉफ्ट रहे छे क्योंकि हमर कखनो कखनो क्रिस्पी बने या कखनो कखनो खूब खूब कड़े जे करे आटा कनी कड़ा है बच्चे वो भी एकदम एक साथ मिला ले बहना नहीं है मैंने हल्का ऊपर से तो दिखा दे के नीचे आटा मेन शेफ है क्या करा दे रिस्क नहीं ले जी खेनाई अपने सबके तो एक बार मिला कर कनी हम दूध यूज कर छे आंख मन छे हम पानी यूज करू हम खाली दूध से सॉफ्टनेस सॉफ्टनेस ताकत से स्वीटनेस भी बेसी रहता ने दूध से तो कनी हेल्दी हो गेले एना ते हम खूब अपने तेल भी यूज करना छे तो हेल्दी इतना नहीं होले लेकिन कहियो बहुत खराब से काम खराब होले मैं खाए खाए में कैलोरी के ध्यान नहीं करे के छे लेकिन घी ज्यादा मिलावे अच्छा आर्य क्यों मैसेज किल के सुप्रिया वर्मा सुपर्णा वर्मा सॉरी वो कॉल के ने के शायद मोहन ज्यादा पढ़े थे तो वो अंदाज एक बार बता दे प्रोपोर्शन मोहन का ना मोहन के नहीं ओकराम जना मतलब तोहर अंदाज है जना एक अंदाज है ना जना एना बना तो मुट्ठी बना जाए ना जना एना मुट्ठी बनाए जाए उतने टाइम में वो इन बना जाए ओकरा से बेसी ने ओकरा से बेसी दिला से ना ओकरा में तेल में छाने से फैट जाते ना श्रीजा दीदी पूछ रहे थे ड्राई फ्रूट्स ऐड के लिए की तो आप पहले दिखा देने के लिए ड्राई फ्रूट्स ना दे चूर का हां कने चूर का या काट के जना उनका मन से छोटा बड़ा जना काट के हम जना चूर के रख लेना रहिए पहले तो चूर चूर के दे देना चाहिए अच्छा हां और इतना आटा तो आके ही दे लीजिए का कनी सब खूब कड़ा करके सामना से एना साइन कर रखनो चाहिए पहले से करने हाँ तो ये हम पहले से साइन मिला के रखना रही है देखियो एक खूब सख्त है जान देखियो इतने ही मिलाना चाहिए एकरा से बेसी पानी नहीं क्योंकि चीनी फिर गला लगते बेसी तो नरम हो जाते तो कम पानी देवे कम दूध देवे तो अच्छा क्यों आर्य पूछल के कि विल बी ऐड शुगर तो हम सब चीनी है इनमें हाँ, लेने चाहिए हाँ, चीनी तो तू बता दे कि चीनी या गुड़ जो हाँ, तो बता दे तो चीनी हाँ हम कभी गैस जला देते ताकि तेल गर्म हो जाए अच्छा हां ओमे चीनी और गुड़ दोनों दस की छी कि नहीं हां दोनों लेकिन आता वहां का गुड़ का गलाए के देर पड़ते हैं अच्छा दाता से आ सके छी लेकिन फिर आहा के पानी उबाल के कने गुड़ गला लियो ओकरा में तब फिर आहा पानी या दूध के बजाय वही लिक्विड यूज करियो तो आई तो चीनी वाला बना हम चीनी वाला ताकि बच्चा सब में खूब पॉपुलर छे बच्चा सब सॉफ्ट से खाइयो ले छे सॉफ्ट कनी सॉफ्ट देलिए कनी नारियल देलिए गरी ड्राई फ्रूट कनी चूर के देलिए तो हो गेले आ अनु कनी एकरा ठोक दे की अच्छा जो हां देखी हम ये सब जे किस दीदी ने के ने रही है या क्या करवा रहल छे सिखियो रहल छे ना सामने ये बहुत मोनो लाग रहल छे एकदम त्योहार के माहौल लाग रहल छे जाने छे कि नहीं ठेकुआ सब हमेशा ग्रुपेन बनाबे छे लोग ताकि गप्पो करते रहे पकवानों बनते हैं क्योंकि पकवान तो अपने कम समय में बना रहे हैं बिहारी आदमी बेसिक खाइक सकते हैं तो बिहारी आदमी कम समय में सुंदर ही बना रहे हैं
अगर साचा नहीं है तो जना आर्या कहलखिन तो ओहियो पर बना सके छी। हाँ, अगर अगर साँचा नहीं है तो अपने वो जना दलिया चंदा के दलिया में दलिया यूज कर सके छे या तो चाहे तो अच्छा एगो क्वेश्चन छे जे ब्राउन शुगर यूज कर सके छे। हाँ, ब्राउन शुगर यूज कर सके छे। ब्राउन शुगर कमी और कम स्वीट होय छे तो आहा के 75 ग्राम के बजाय 100 ग्राम दर पड़ता है। अच्छा, स्वीटनेस बढ़ गई। मनीषा ब्राउन शुगर यूज कर सके छी। एक बार छन्नियों पे बना के देखल जाए दिखा। छन्नी तो सबके अलग रहे छे। हमर डिजाइन की दे तेल गरम छोटकी पूरा दूध में सनबे की पानी से हो मिले वे दूध तो पूरा सान सके छे। हां, दूध में सानला से टेस्ट भी अच्छा आवे छे और कने मीठो लगे छे। क्या चीनी के बजाय भी गुड और की छे। जस्ट यू आर लुकिंग सुंदर। हमरा लग रहा छे कि तेल गरम होए जाए छे क्योंकि हमने देना रिए ऊपर आ गेल छे। तो अनु कह रहा छे कि ठेकुआ से बेसी हमरा सब पे ध्यान छे। अनु के कह दियो कि ठेकुआ बनेनाय छे उनका। न त अनु अनु एथी है त ओकरो मजा आइ छे। हां सही। एला नाम त गालिए छुट्टी होय गेल छे आज जो नै ले। आ दोसर ई छे जे ई ठेकुआ को फ्रिज फ्रिज में नै रखा पड़े छे त ई अहाँ का इंडियो में एता त खैर बहुत दिन कते दिन रहते 2-3 महीना। हां रह जते दीदी जी बनाते ना त बहुत दिन रह जते। तेल में पल्ला से की छे कने दिन के बाद ने त तेल का गंध आ लगे छे। वा एकटा प्रॉब्लम छे ने त मगर घी में अगर बनेबे तो 2-3 महीना रह जते। हां 2-3 महीना रह जते टेस्ट में कोनो फर्क। जकर बच्चा सब हॉस्टल जा रहल छे या पढ़े ले यूनिवर्सिटी अब एकरा कनी फ्राई करल जाए जितना बन चुकल छे ओकरा कनी अपने तेल में डालबे देखे छे केहन बने छे। ओ कलकिन कते दिन तक निशा पूछ रहल छथिन कते दिन तक रह तो 2-3 महीना। हां 1-1.5 महीना तो आराम से ओकर से ज्यादा रह अगर घी से बनेबे तो 2 महीना रह। 1-1.5 महीना बचत तो नहीं मगर अगर अगर निशा 1-1.5 महीना बचा ली तो वो वो 1 वीक नहीं बचे छे सब कोई खा ले कतनो बना सब खा ले। तो क्यों पूछ रहल छे जेना कि घी में से हो बना सके छी तो जेना कि आटा में बने छी मैदो में बने छी तो एना तेलो में छान सके छी और घी में। हां बिल्कुल कोनो चीज ऐसा ना हार्ड एंड फास्ट नियम नहीं छे कि ये चीज तोरा यूज करना छे किछो आहा यूज कर सके छी। आहा तेल यूज करो घी यूज करो दूध पानी चीनी गुड़ आटा मैदा जे आहा के इजीली अवेलेबल रहे। बेसिकली ठेकुआ का मेन पर्पस ही है छे इजीली अवेलेबल और खूब लॉन्ग लास्टिंग रहे। बच्चों केकरो जना हॉस्टल गेले तो लाइ गेले बेटी के बिदागरी होले तो माँ सब जरूर बांध दे छे ठेकुआ पिरकिया तो पिरकिया तो कनी बनाना मुश्किल छे इतना जल्दी नहीं बन जाते लेकिन ठेकुआ बनाना इजी भी छे और लास्टिंग भी खूब करे छे। तो बेसिकली हॉस्टल वाला बच्चा सब कलर खूब यूजफुल है अपन बिहारी हॉस्टल वाला बच्चा
आ ई ई जना कनीटा ई वाला जना टूट गेले हां ई जे साइड साइड्स कनी टूट गेले हां तो ई की ठीक छे ठीक त दीदी साइड में लगे छे नहीं कनी तेल में भी हो जते स्कैटर भ जते ना ओ अच्छा अच्छा त कनी कोशिश किया के तेल में ना हो कनी कनी स्कैटर होय छे साइड वाला त एकरा कनी कोशिश करबे कि जना जुड़ा रहे त क्योंकि हमरा बुते तो इन्हें बनते आर्या ओ क्यों पूछ रहे वंदना दीदी पूछ रहे थे हाँ। सूजी और मैदा के की प्रोपोर्शन छे आधा आधा अगर मैदा सूजी बने ना तो 100 ग्राम मैदा 100 ग्राम सूजी दोनों के एकदम बराबर प्रोपोर्शन में रखना चाहिए। अच्छा एक बार ना फिर से रेशियो कह दियो और हाँ। की सामान सामग्री यूज के लिए वो एक बार फिर से बता दियो सबके। अच्छा हां बता दीजिए मिनी चंदा तू इधर आकर फ्राई कर ले किया की इधर चढ़ा देना चाहिए जना मैदा हम सब यूज के लिए मैदा यूज के लिए 200 ग्राम अगर सूजी और मैदा दोनों लेबे तो 100 ग्राम सूजी 100 ग्राम मैदा फिर घी लेबे अगर घी लेना छे तो घी लेबे 50-60 ग्राम एक कनी अंदाज जना के आंख मुट्ठी बांध जाए उतने और अगर के तेल लेबे तब भी तनी तेल कनी कम लगे छे घी से त घी तेल 50 ग्राम में भर जाता हां के ओकर बाद चीनी देलिए 75 ग्राम और ड्राई फ्रूट सब आहा के अपन मन मन जितना हां दिए सके जितना ज्यादा देबे दियो कम देबे दियो नहीं देबे नहीं दियो कोनो जरूरी नहीं छे देना। अच्छा क्यों पूछ रहल छे कि सूजी जे छे वो फाइन सूजी होय छे कोर्स होय छे तो कौन वाला ये फाइन सूजी अपने यूज कर लो क्योंकि मैदा एकदम पतला छे ना तो फाइन सूजी अगर फाइन सूजी अवेलेबल छे जरा इंडिया में के ना एक के टाइप का सूजी भेटे छे ना तो अपने वही यूज करे छे यहां तो मिले छे फाइन तो अपने फाइन यूज करना ज्यादा इजी छे फिर कने ड्राई फ्रूट का चूर लियो काट लियो जे दे दियो एक मुट्ठी भर के दे दियो जितना ले हां इलायची भी चूर कर दियो कने नारियल काट के दे दियो सौंफ दियो बस है गले कने आटा सान लियो मिलाई के कने ज्यादा मिला लियो सान लियो बस ओ करते है ये साचा से डलिया से जिना हाक में हां ओके सेव बना लियो। अच्छा आप तो ई यहां के बना रहल लिए तो हमर एगो क्वेश्चन ये जे एकरा कथी संगे खायल जाय छे हमरा त याद ये जे हम सब के लिए अचार संगे खाइए मगर वो कनी मिथिला के हम देखे छी कि नमकीन और मिर्च का एगो अति रहे कॉम्बिनेशन रहे छे हां ओना आई मिनी सजेस्ट कर के जे एकरा चाहियो संगे तो ये पहले से बना के रखो छे ते आर्या तो हम सब तो एकरा चाय संगे यूज कर करबे हां चाय के साथ एंजॉय करबे केनो दीदी जना अचार के साथ खाओ चटनी के साथ खाओ हम तो चुच्छे खाए प्रेफर करे छी बैठ के टीवी देख लो चुच्छे खाई ले लो चाय के साथ और मजा आवे छे। Someone is asking can we bake as well instead of frying हां बेक कर सके छी लेकिन बेक में ना ऊ मजा नहीं छे जे अपने फ्राई में छे बेक में फ्राई के ना छी तो लेकिन जितना जे मजा फ्राई वाला छे ना ऑब्वियसली फ्राई तो ज्यादा अच्छा लगबे करते तो फ्राई में जे मजा छे ऊ बेक में नहीं छे। बस कनी देर में ही जेते कनी मीडियम आंच पर रखना छे क्योंकि तेज रखला से फिर जला लगते ही और अंदर पकते में कनी मीडियम आंच पर रख कर कनी टाइम टेकिंग छे How about air fry कोस की ची? हाँ दीदी air fry भी करा सके ची लेकिन वही बात तो फिर सेम हो जाता ना कने जैसे तब बनला के बाद ही जब आप एक राम नाल ना ची अपने बनला के बाद ऐसा हो जाते तो हाँ अपन ये कलर तक अपने को लाना का जरूरत है कने टाइम लगता है अपने को बना देना तो ये
किछ आर्या पहिने सब बनेलखिन जकरा कि हम सब एखन चाय के संगे हम सब सब एंजॉय करब। अनफॉर्चुनेटली हम ही सब खा सकै छी बट आई होप अहाँ सब सब बना के खायब। और आर्या का धन्यवाद जे आर्या अपन पूरा समय निकाल के इंग्रेडिएंट्स निकाल के हमरा सब के ई बतेलथ केना बनायल जाए। और अहाँ सब सब एंजॉय केलहुँ और हम अपन अनुराधा का और चंदा का हमरा सबके तरफ से धन्यवाद। और एते अहाँ सबके इंट्रैक्शन रहल, एते सुंदर क्वेश्चन सब रहल और सबसे बेसी धन्यवाद आर्या का। थैंक यू अहाँ सबके बहुत बहुत आभार जे सब अहाँ सब हमरा ज्वाइन के लिए थैंक यू। और जे भी बनेबे अहाँ ठेकुआ प्लीज अपन फोटो शेयर करू ताकि हमरा एनकरेजमेंट भेटा कनि अगला किछु बनाबे के लेल। और केहन बनले कि हमर हम जे बाजलिए अहाँ सबके बुझे में अल कि नहीं, क्योंकि जानै छी हम तो भागलपुर से हमारे माँ पापा के घर और सहरसा से ससुराल, तो हम दोनों के मिक्सचर बाजे छी। तो हमरा पता जे बहुत लोग नहीं बुझे में अते, तो अगर नहीं अहाँ बुझे सकल तो अहाँ कमेंट करू हम जवाब दे। थैंक यू हमरा देखे के बहुत बहुत। आर्या हर बेर एनुअल मीटिंग में किछ न किछ जरूर बनाबे छथिन, तो अगर अहाँ सबके कोनो अट्रैक्शन नहीं है एनुअल मीटिंग में आबे के तो आर्या के खाना जरूर आब। और होपफुली इन फ्यूचर आर्या पूरा खानो बनेथिन, मगर आर्या हर बेर जरूर किछ न किछ लऽ कऽ आबे छथिन। और एकदम मिथिला से ओ मिथिला के मिठाई जे कि अहाँ या तो बचपन में खेने हैं वा जे सब बाहर रहल छी कहियो ओकर मतलब स्वादो नहीं जानब, एगो अपन एनुअल जनरल मीटिंग में हम एनकरेज करब जे अहाँ सब सब आबी। नमस्कार, धन्यवाद।